हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकरास गार्डनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको विंटर फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जैसे कि मुझे भी विंटर फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो लेकिन मैं बाहर लेने नहीं जा पा रही हूँ और यहाँ पे जिस टाउन में मैं रहती हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हर तरह के प्लांट्स भी नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैंने आपकी बार ऑनलाइन सीड्स मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट से। और ये मेरे सीड्स हैं, इसकी पैकेजिंग मैंने पहले ही खोल ली थी क्योंकि जब ये आए थे तो मुझे वेट नहीं हो रहा था देखने के लिए, तो इसको मैंने खोल लिया था। तो ये एरो सीड्स का पैकेट है और ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। इसमें अंदर एक ये पेपर था जिसमें लिखा हुआ है कि समर सीज़न के कौन से हैं और विंटर सीज़न के कौन से हैं, क्योंकि इसमें टोटल 40 टाइप्स के सीड्स हैं। और पीछे इसमें लिखा हुआ है कि आपको कैसी सॉइल प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको सीड लगाना है और कैसे उसकी केयर करनी है, तो ये इसमें दिया हुआ है साथ में। और साथ में इसमें ये बहुत सारे सीड्स हैं पूरे 40 टाइप्स के, और सिर्फ सीड्स ही नहीं है, साथ में वो सीड्स के साथ फ्लावर किस तरह के उसमें निकलेंगे उसकी पिक्चर के साथ दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अलग अलग हर तरह के फ्लावर्स के सीड्स मंगाने से अच्छा है कि आप ये 40 टाइप्स का मंगा लें, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं और आपके काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सीड्स आपको लगाने कैसे हैं। इन सीड्स को लगाने के लिए मैंने कोकोपीट भी ऑनलाइन मंगाई है, क्योंकि जो मेरे पास पहले थी वो ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने दूसरी कोकोपीट भी ऑर्डर करी है। ये मुझे 160 के सारे सीड्स मिल गए, यानी ये पैकेट जो है वो 160 का था, मुझे मिल गया। और मैं आपको कोकोपीट भी दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गई है। तो ये मेरा कोकोपीट का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, यानी 5 किलो कोकोपीट है। और ये ड्राई है, इसको ये इसी तरह से पूरी पैक थी, ये अभी मैंने खोला है कि मुझे वीडियो में खोलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये देखिए, ये पूरा कोकोपीट का ब्लॉक है। और इसको क्या करना है कि इसको इस तरह से, देखिए ये निकल गई है, इसको इस तरह से निकाल के आपको सॉइल में मिक्स कर लेना है। वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि कैसे आपको इसमें सीड्स सो करने। और कोकोपीट बेस्ट रहती है सीड्स के लिए, अगर आप डायरेक्ट सीड्स लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको कोकोपीट लेनी चाहिए। और ये मुझे पूरा 5 kg का ब्लॉक मुझे 292 रुपीज़ का, यानी अप्रॉक्स 300 का मुझे ये ब्लॉक मिला है, जो कि मुझे एकदम सही लगा है। और आप भी इसी तरह से मंगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आधा ब्लॉक मैंने यूज़ किया है और आधे ब्लॉक से इतनी सारी कोकोपीट निकल आई है। और अब हम इसको भिगो देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, बस जितनी कोकोपीट है कोकोपीट के बराबर इसमें पानी कर देना है, जिससे कि वो आराम से भीग जाए। और जब ये भीग जाएगी तो और आसानी से टूट जाएगी। आधे ब्लॉक से इतनी सारी कोकोपीट तैयार हो गई है और मुझे लगता है अभी इसमें थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की नहीं सूखी हुई है अभी, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। पानी डालने से ये सॉफ्ट हो जाती है और ईजली टूट जाती है। आप चाहें तो डायरेक्ट पूरे पूरे ब्लॉक भी एक साथ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितनी यूज़ करनी थी मैंने सिर्फ उतनी ही ली है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये पॉटिंग मिक्स तैयार है। इसमें 1 पॉट ऑर्गेनिक कंपोस्ट, यानी जो वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट से तैयार कंपोस्ट है मेरी, इसमें 1 पॉट कंपोस्ट है और 1 पॉट इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल है और 3 पॉट इसमें कोकोपीट है। और इससे ये बहुत ही अच्छी पोरस पॉटिंग मिक्स तैयार हुई है, जिसमें सीड्स बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप कोकोपीट में नहीं लगाएंगे सीड्स और डायरेक्ट आप सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाएंगे, तो वो जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो सूखने पर टाइट हो जाती है और जल्दी ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने पर टाइट हो जाती है, जिसमें सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो जो कोकोपीट होती है वो टाइट नहीं होती है, पोरस रहती है और उसमें नमी बनी रहती है, जिससे कि इसमें सीड्स ईजली और जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो ये पॉटिंग मिक्स तैयार हो गई है,
अब मैं अपने सीड्स इसमें लगाती हूँ। अब ये पॉटिंग मिक्स हम पॉट में ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पॉट सारे रेडी हैं और अब हम सीड्स डालने जा रहे हैं। तो ये है कैलेंडुला के सीड्स, और कैलेंडुला के सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। ये देखिए, ये कैलेंडुला के सीड्स हैं। तो हम सारे सीड्स लगा लेते हैं, थोड़ा अलग अलग और दूर दूर डालेंगे। और थोड़े सीड्स मैंने रोक लिए हैं क्योंकि सारे सीड मैं एक ही पॉट में नहीं डालूंगी। इसमें बस, वैसे ये दो भी मैं निकाले रह रही हूँ, इसमें थोड़े ही सीड डालेंगे हम, और बाकी जो एक्स्ट्रा सीड हैं वो हम दूसरे पॉट में लगाएंगे। तो ये जो कैलेंडुला का पैकेट है, ये मैं इसी पॉट के नीचे रख रही हूँ ताकि मुझे बाद में ध्यान रहे कि मैंने किस पॉट में कौन से सीड्स डाले हैं। और इन सब के लिए मैंने ये नेम लिख करके पहले से रख लिए हैं, जो कि मैं इन सब में लगा दूंगी ताकि मुझे ध्यान रहे कि कौन से पॉट में कौन से सीड्स हैं। तो अब एक एक करके मैं ये सब सीड्स लगा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारे सब में मैंने ये स्लिप लगा ली हैं, जो सीड डाले हैं उस पर मैंने वो स्लिप लगा ली है। और अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ी थोड़ी कोकोपीट सब में डाल दूंगी इस तरह से, जिससे कि सीड्स में नमी बनी रहे। तो इस तरह से सब पे मैं थोड़ी थोड़ी कोकोपीट डाल दूंगी, इससे मॉइस्चर मेंटेन रहता है। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे सीड्स लगा लिए हैं और अब इनको मैं तो फ्रेंड्स मैंने सारे सीड्स लगा लिए हैं और सारी सीड्स लगाने के बाद इन पे पानी जो है आपको, ये तो अभी जो मेरी कोकोपीट है, जो पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार करी है, उसमें हल्की नमी है और बस हल्का सा मैं इस पे पानी स्प्रे करूंगी। और जब भी आप इसमें, जब इसकी हल्की सी ये ड्राई होने लगे तो आप इसमें स्प्रे से पानी डालें, बहुत ज़्यादा तेज़ धार से पानी इसमें ना डालें, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ये कि आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इस पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप इस पर पड़े, और बाकी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी ना रहे और बहुत कम धूप भी ना रहे, इसको हल्की सी गर्माहट मिलती रहे, ऐसी जगह पे इसको आपको रखना है। तो अब मैं कुछ टाइम बाद इसकी, जब ये सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे, तब मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूंगी। तब तक के लिए आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।